ओके जी, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये बेसिकली सॉलिड्स की जो हम पढ़ के आ रहे हैं उनमें से थर्ड टाइप है। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड ऑफ सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये तीसरे नंबर पे है। और हम जिस बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो ये है कि मॉलिक्यूल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनसे वो मिलके बना हुआ है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उसकी बेसिस के ऊपर जो है हम ये क्लासिफिकेशन सॉलिड्स की पढ़ रहे हैं कि अगर एक सॉलिड है जिसके अंदर ए और बी दो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो एटम्स मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो आपस में किस फोर्स के तहत जुड़े हुए हैं, किस फोर्स के तहत वो एक दूसरे के करीब करीब हैं। इसमें पहला जो हमने पढ़ा था दैट वाज आयनिक सॉलिड्स जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है। सेकेंड वॉज कोवलेंट सॉलिड्स जो कि हम प्रीवियस टॉपिक्स में कवर करके आए हैं। कोवलेंट सॉलिड्स वो थे जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड था और आयनिक सॉलिड्स वो थे जिनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड मौजूद था। अब बात आती है आपकी थर्ड टाइप की विच इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनको कहते हैं वो टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स की क्यों होंगी उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की दो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड नंबर टू आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इनका क्या मतलब है? पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज जिनके दरमियान दो पोल बन जाते हैं। ये सारी साइंस हम अपने चैप्टर थर्ड में और इसी चैप्टर के स्टार्ट के कुछ टॉपिक्स में पोलर्स के बारे में हम स्टडी करके हैं कि लिक्विड्स के ऊपर पोल किस तरह से आता है। अब सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो हैं जिनके अंदर पोल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो होंगे जिनके दरमियान पोल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, पोल्स नहीं बनते। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो दो टाइप की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं वो हम देखते हैं। नंबर वन इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हमें अगर आपको याद हो फर्स्ट टॉपिक में इसके हमने पढ़ी थी इस चैप्टर के, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वो होती है कि जब पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे के पार्शियल नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन करके एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है वो मेंटेन कर लेता है। दिस इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो अगर तो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो उसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस मौजूद होंगी। अब जाहिर सी बात है कि एक चीज जिसके अंदर पोल्स बनते ही नहीं है तो वो डाइपोल इंटरेक्शन उसके अंदर मौजूद नहीं होगी। तो एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हो गई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड सेकेंड इज वैंडरवॉल फोर्सेस। वैंडरवॉल उस बंदे का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है जिसने इन फोर्सेस को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया। वैंडरवॉल फोर्सेस अगर आपको फिर रिकॉल करें अपना फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का जिसके अंदर वैंडरवॉल फोर्सेस वो थी जो कि नॉन पोलर लिक्विड्स के अंदर एग्जिस्ट करती थी, कि जो पोलर्स जो उनसे थे जो वो मॉलिक्यूल्स या वो लिक्विड जो उनसे नॉन पोलर्स होते थे जिनके दरमियान पोल नहीं बनते थे वो किस तरीके से उनके दरमियान फोर्सेस एक्ट करती थी, दोज वर वैंडरवॉल फोर्सेस। तो दीज टू आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर काम कर रही होती हैं। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
इनकी तमाम की तमाम डिटेल आपके जहन में कंसेप्ट इनके आपके पास क्लियर होने चाहिए। अब इनकी बेसिस के ऊपर इनके दरमियान जो उनकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो भी दो तरह की होती हैं। नंबर वन इज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, कि अगर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं तो उनके दरमियान पोल्स बनेंगे और वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, फोर्सेज एक्ट करेंगी। एंड सेकेंड इज वैंडरवाल्स फोर्सेज, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के दरमियान ज़्यादातर जो है वो काम करती हैं। अब हम इनको अगर कंपेयर करें इन इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को अगर हम इनका कंपैरिजन करें जो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं उनसे, आयनिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स, अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो उनकी निस्बत दे आर मच वीकर। ये बात पुरानी ही है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली एक बॉन्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। इसके दरमियान क्या हो रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इनकी निस्बत ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, मच वीकर फोर्सेस है। इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हमारे पास इनकी निस्बत डिफरेंट होंगी। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते थे क्योंकि इनके दरमियान फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थी और उनको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती थी, लेकिन इस केस में ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत ही ज़्यादा वीक है। वीक होने की वजह से क्या होगा कि इनको तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो कम होंगे। ये सारी चीज़ें हम अपनी जगह पर जाके पढ़ लेंगे। अब आते हैं हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ, एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड हमने देखा अभी दो टाइप्स के हैं, तो अगर हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें उसकी जो टिपिकल एग्जांपल्स हमारे पास जो है वो मौजूद है, दैट इज आइस। आपके पास वाटर जब हम ठंडा करते हैं बर्फ बन जाती है तो उसका स्ट्रक्चर कभी आप देखें तो दैट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके अलावा शुगर जो है आपके पास वो भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल है। सेकंड कैटेगरी है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनके एग्जांपल्स अगर आप देखें तो इनके पास आप इसके केस में आपके पास आ जाता है सल्फर, फॉस्फोरस और जो एग्जांपल हमने स्टडी करनी है आयोडीन। ये सारे जो उनसे हैं इनका जो स्ट्रक्चर सॉलिड का होता है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं। तो एग्जांपल्स आपके देन में जो उनसा है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। नॉर्मली एमसीक्यूज के अलावा भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे कोई चीज़ पूछे या वो पूछे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कौन सी टाइप्स हैं तो आप सिर्फ पोलर और नॉन पोलर मेंशन ना करें, साथ में उसकी एक एक एग्जांपल भी कोट कर दें, जिसका आपको लाजमी बात है कि कोई ना कोई एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ मार्क्स जो सा है वो ज़रूर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तो हमारे लिए प्रिडिक्ट करना आसान है इनकी प्रॉपर्टीज। क्यों क्यों प्रिडिक्ट करना आसान है? क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ हमने ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसके दरमियान वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सी है वो मौजूद होती है। अब इस वीक फोर्स, ये जो हमारे पास बेसिक पॉइंट है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी को देखते हुए हमारे पास तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आसानी से प्रेडिक्ट हो जाएंगी। नंबर वन प्रॉपर्टीज इज दैट दे आर सॉफ्ट। सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है। सेकेंड इज दे आर इजीली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल की एग्जांपल है कि अगर ये आपके पास एक सॉलिड ए है, इसको मैं डिफरेंट एंगल से फोर्स लगाऊं तो ये पिचक के इस शक्ल में आ जाए।
और जब मैं इससे फोर्स हटा लूं तो ये वापस इस शक्ल में आ जाए। इसकी सिंपल एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो आपके स्कूलों में डस्टर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ये जो फोम जो होता है बेसिकली, जो आपके जो ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए पहले क्लासेस में फोम इस्तेमाल होता था, अगर वो आपने नहीं देखा हुआ तो आप इसको इस तरह समझिए कि जो आपका मैट्रेस होता है फॉर एग्जांपल घरों में इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, जब आप छोड़ते हैं तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। उसकी वजह मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के इजीली कंप्रेसिबल होने की वजह भी यही बेसिक उनकी रीजन है कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उनके दरमियान स्पेसिस ज्यादा हैं, आप उसे प्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस जो होता है वो हो जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज दे आर मोस्टली वॉलेटाइल। पिछले जो दो हम पढ़ के आए हैं, दोज वर आयनिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स, वो लेस वॉलेटाइल थे, लेकिन ये वॉलेटाइल ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा वॉलेटाइल हैं? कि इनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि अगर मैंने एक चीज को ओपन एयर में रखा है तो वो उड़ जाएगी। तो अब जैसे आपके पास पेट्रोल होता है, तो पेट्रोल को आप थोड़ी देर के लिए ओपन एयर में रखें तो वो फौरन जो है वो खुश्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है और उसके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूलर सॉलिड मैंने मेल्ट करके ओपन रख दिया है तो वो वॉलेटिलिटी शो करेगा, वो उड़ उड़ आ जाएगा। उसकी वजह ये होगी कि उसके दरमियान वीक ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो सी हैं वो अमल में आई हुई है। तो ये वॉलेटिलिटी, अब वॉलेटिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट्स आपको पता है कि एक दूसरे के उल्टे काम करते हैं। इसकी वॉलेटिलिटी अगर ज्यादा है तो इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लेस होगा। क्यों लेस होगा? कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने के लिए जब भी कोई चीज मेल्ट होती है, एक सॉलिड जब मेल्ट होगा लिक्विड के अंदर, तो वो सॉलिड के अंदर हम उसको एनर्जी दे रहे होते हैं, हम उसको हीट करते हैं। तो होता क्या है कि वो एटम्स या वो मॉलिक्यूल या वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो एक दूसरे को अटैच करके रखे होते हैं आपस में बड़े कम्पैक्ट शक्ल में, हम उसको एनर्जी और उसको तोड़ देते हैं और वो दूर दूर एक दूसरे से चले जाते हैं। ये सिंपल साइंस होती है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की किसी भी चीज को। अब जब ये एक दूसरे को जो पकड़ के रखे हुए हैं, ये बहुत कम फोर्स से एक दूसरे को जकड़ के रखे हुए हैं, तो हमें उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी जो है वो कम देनी पड़ेगी। तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो उनसे हैं वो जल्दी जो उनसे हैं मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी, दे आर बैड कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिसिटी, जब भी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की बात हो, आपके ध्यान में पहली और आखिरी बात जो आनी चाहिए वो ये है कि अगर तो किसी चीज ने कंडक्ट करना है तो उसके दरमियान या उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस जो उनसे हैं वो मौजूद होने चाहिए। अगर तो ये मौजूद है तो कंडक्टिविटी शो करेगा, अगर ये मौजूद नहीं है तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब अगर आप अपना स्ट्रक्चर देखें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, तो उसके दरमियान देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने पढ़ा है कि इनके दरमियान तो सिर्फ वैंडरवॉल फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही है, तो वैंडरवॉल फोर्सेज के अंदर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है ना उधर से इधर आ रहा है। जो मॉलिक्यूल या एटम अपनी जगह पे मौजूद है वो अपनी जगह पर ऑलरेडी मौजूद है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो बिजली के पास होने का या कनेक्टिविटी का तो सवाल पैदा नहीं होता। थर्ड इज दे हैव लो डेंसिटीज। इनकी डेंसिटी कम होती है। क्यों? जाहिर सी बात है, अगर ये एक ए और बी और सी सपोज करते हैं हम, तीन एटम्स हैं जिन्होंने मिलके एक सॉलिड बनाया हुआ है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर तो इनके दरमियान फोर्स जो होती है वो वीक है, तो ये जो डिस्टेंस एक दूसरे से मेंटेन कर रहे हैं वो ये है, ये डिस्टेंस है। सिमिलरली ए और सी का डिस्टेंस ये है। इसको मैं सपोज कर लेता हूं एक्स। अब ये एक्स का जो सिस्टम है ये वीक के केस में है एक्सिस। अब यही ए
और बी और सी अगर एक दूसरे को बहुत स्ट्रोंगली जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये डॉटेड लाइन शो कर रही थी कि वीक फोर्स है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि ये स्ट्रोंग फोर्स है। अब जाहिर सी बात है, जब ये एक दूसरे को स्ट्रोंगली अपनी तरफ खींचेंगे तो जो डिस्टेंस होगा इनके दरमियान वाला, ये वाला डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज कर लो नई वैल्यू वाई है, तो जो एक्स है वो वाई से बड़ा था। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो उनकी हैं वो वीक थी। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ये होती है कि अगर मेरे पास एक वॉल्यूम के अंदर जो चीज़ मैंने डाली है उसका मास कितना होगा। अब ये वॉल्यूम सेम है, अगर मैं उठा के ये चीज़ इसके अंदर डालता हूँ तो इसके कम यूनिट आएंगे क्योंकि इनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा हैं, सही है ना। अगर ये एयर का मेरे पास कंटेनर था और मैंने उठा के ये आपका नंबर वन सैंपल जो है उठा के इसके अंदर डाला, तो इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी कम मास इसके अंदर आएगा। कम मास आएगा मतलब उसकी डेंसिटी लो है। अगर ये नंबर टू सैंपल को उठा के मैं इसके अंदर डाल देता हूँ तो ये ज़्यादा इसके अंदर आ सकेगा। क्यों? क्योंकि दे आर क्लोजर टू ईच अदर। क्लोज होंगे तो मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की डेंसिटी जो सी है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं। वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है और उनकी डेंसिटी जो उनकी ऑटोमेटिकली कम होती है। तो आई होप कि ये सारी साइंस आपको आसानी से समझ आ जाएगी। डेंसिटी इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इनकी डेंसिटी जो है वो लो होती है। अब यही डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से एक और प्रॉपर्टी जो आपकी बुक में भी मेंशन है वो ये है कि नॉर्मली कुछ कुछ जो उनसे हैं मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दे आर ट्रांसपेरेंट टू लाइट। उसकी वजह भी यही है कि आपके पास लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम तो चाहिए नहीं होता। अब चीज़ों की प्रॉपर्टी होती है कि कुछ चीज़ें होती हैं वो लाइट को रोक लेती हैं, कुछ चीज़ें लाइट को अपने में से पास करने देती हैं। तो वो चीज़ें जिनमें से लाइट पास हो जाए दोज़ आर द ट्रांसपेरेंट। अगर आप अपनी आइस का स्ट्रक्चर स्टडी करें या जो बर्फ़ आप जमाते हैं तो उसमें से किसी हद तक लाइट, टोटली नहीं लेकिन किसी हद तक लाइट जो है वो पास आउट हो जाती है। तो उसकी वजह यही होती है कि उसके दरमियान डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा होता है क्योंकि उनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो उनकी है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो ट्रांसपेरेंट टू लाइट होते हैं आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब आखिरी जो चीज आपके पास प्रॉपर्टीज के हवाले से है दैट इज सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी जब भी आएगी आपके जहन में वही एक फॉर्मूला आना चाहिए कि लाइक डिजोल्व लाइक, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में डिजोल्व होंगी। अब अगर आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं तो ये डिजोल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसको अगर मैंने डिजोल्व करना है तो मैं इसको बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व कर सकता हूँ क्योंकि ये सॉलिड भी नॉन पोलर है और ये सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है। और दूसरी तरफ अगर मेरे पास एक पोलर सॉल्वेंट है तो ये हमेशा डिजोल्व होगा पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही, बल्कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड था अगर ये, सॉरी, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हमेशा डिजोल्व होगा पोलर सॉल्वेंट के अंदर। इसकी बेसिक एग्जांपल आप इसको इस तरह से समझें कि अगर आपके पास शुगर है तो शुगर एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो ये डिजोल्व किस में होगी, उस सॉल्वेंट में जो कि पोलर हो। और पोलर सॉल्वेंट की टिपिकल एग्जांपल इज वाटर। तो सोलबिलिटी का रूल वही है कि लाइक डिजोल्व लाइक। तो अगर दो तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे और पोलर जो से हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे जैसे हम सब केसेस में देखते आए हैं, हमने आयनिक सॉलिड जब पढ़े तो उसकी एग्जांपल हमने NaCl की डिटेल में देखी, फिर हमने कोवलेंट सॉलिड्स देखे तो उसके अंदर हमने डायमंड का स्ट्रक्चर जो है समझा। इसी तरह अब हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को स्टडी कर रहे हैं तो इसके एग्जांपल आपके बुक में जो दी हुई है दैट इज आयोडीन। आयोडीन आपके पास एक हैलोजन है और ये एक जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड भी है।
है स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन। बुक में आपके थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है और इसको हम उतना ही देखेंगे। अगर आप आयोडीन का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप इस तस्वीर को देखें, विच इज दी स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन। ये एक आयोडीन के मॉलिक्यूल का तो नहीं, उसके क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल यूनिट का। इसको आप देखें कि ये एक क्यूब है जिसके चारों आठों कोनों पे आपके पास आयोडीन के मॉलिक्यूल, ये जो दो मॉलिक्यूल हैं ये I2 को शो कर रहे हैं, I2 के शक्ल में ये एग्जिस्ट करती है आयोडीन। और ये इसके दरमियान अगर आप देखें, ये एक है एंगल और एक ये है जिसके ऊपर आपके पास डिफरेंट जगहों पे आयोडीन के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब ये स्ट्रक्चर जिस शक्ल में मौजूद है ये आपको नजर आना चाहिए कि यहाँ पे किसी किस्म का फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन का मौजूद ना होना ये शो कर रहा है कि ये ऑब्वियसली इज अ बैड कंडक्टर। इसका स्ट्रक्चर ही आपको देख के बता रहा है। उसके अलावा वो बात करता है आपके आई टू आई बॉन्ड डिस्टेंस की। ये हमेशा दो आयोडीन के जो मॉलिक्यूल हमने देखे हैं इस शक्ल में, इनके दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है दैट इज 271.5 PM, 0.5 पिकोमीटर। ये जो है ये आयोडीन के स्ट्रक्चर का करेक्टरिस्टिक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन था जिसमें आपको याद होना चाहिए कि एक क्यूब, और क्यूब की अगर दोनों साइडों को आप क्रॉस करें जैसा कि आपने इस तस्वीर में देखा है, तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन होता है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने लास्ट जो है मेटेलिक सॉलिड्स की तरफ हम बढ़ेंगे।